हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी का वार्षिक जो ईयरली कैलेंडर आता है वो आ गया है। डेट है 1/1/2024, ठीक है। एग्जाम डेट का कैलेंडर आ गया है। तो दो एग्जाम जिसके लिए आप लोग बहुत तत्पर थे, एक है इंटीग्रेटेड सीसीई सिविल सर्विसेज वाला जो एग्जामिनेशन होता है, उसके अलावा टीचर रिक्रूटमेंट वाला एग्जामिनेशन। दोनों की वैकेंसी अभी तक कुछ दिया नहीं है, अभी तो आई भी नहीं होती है वो, तो नोटिफिकेशन और इवन आपको पता है प्रीलिम्स एग्जाम तक आता है, इवन रिजल्ट तक भी। डेट इसका है 30 सितंबर। हर साल 30 सितंबर को प्रीलिम्स होगा, उसका रिजल्ट आएगा 3 नवंबर को, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट 33 दिन बाद। उसके बाद 3 से 7 जनवरी को मेंस होगा, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट होगा 31 जुलाई को। उसके अलावा इंटरव्यू डेट है ये, और फाइनल रिजल्ट का डेट ये है। टीचर रिक्रूटमेंट अभी तक जो बातें सिर्फ ट्विटर या उनके बोली में चल रही थी, उसको फाइनलाइज किया गया, उसको अब कैलेंडर में डाला गया है 24 अगस्त से। 24 अगस्त से आपको पता है कई फेजेज में एग्जाम होते हैं, लेकिन रिजल्ट भी 24 सितंबर यहाँ देख रहा है। तो हो सकता है 24 सितंबर या उससे, मतलब कि 24 सितंबर के बाद एक ही दिन आ जाए, क्योंकि हो सकता है अब उतना रिजल्ट ना आए तो ज़्यादा दिन ना लगे, ये भी हो सकता है। और फाइनल रिजल्ट मतलब 1 महीने में इनका रिजल्ट आ जाना है। ये दो एग्ज़ाम जो कि आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये जो पुराने पुराने एग्ज़ाम है उस सबका दिया हुआ है, क्योंकि उस सबका यहाँ पे देख रहे हो ये कंप्लीट हो गया इसका असिस्टेंट बीपीएस, तो ये जाने की जरूरत नहीं। दो आप मेन आप फोकस करो, एक इंटीग्रेटेड सीसी और एक है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। बस यही बताना था इस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।